दोस्तों आज का वीडियो है बहुत सारा खास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। यहाँ पे सुमिटोटो डाइपन और एक्सेंशिया, ये दोनों कंपनी ने एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ एक साल के अंदर न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इस नए प्रोस्पेक्ट को दुनिया के सामने रखा है। इस वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में R&D के जितने भी सारे यहाँ पे कोर्सेज या फिर R&D की जितनी भी सारे प्रैक्टिसेस पुरानी होती थी, उन सारे प्रैक्टिसेस को आज की डेट में यहाँ पे नया मायने मिलने वाले। एक ही साल के अंदर एक नया मॉलिक्यूल तैयार करके एक नई मेडिसिन हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इसका एक नया सॉल्यूशन इन दोनों कंपनीज ने दुनिया के सामने रखा है। तो इसी टॉपिक के बारे में मैं आप सब लोगों के साथ आज बात करने वाला हूँ। ये दोनों कंपनीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके भी खास हम बात करेंगे यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये स्टडी की जा रही है, और इसे बहुत सारे डिटेल में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि ये दोनों कंपनीज कहाँ कहाँ की, क्योंकि ये सुमिटोटो डाइपन जो कंपनी है ये जापान की कंपनी है, और ये जो एक्सेंशिया नाम की कंपनी ये है दोस्तों यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम की। यहाँ पे ये दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे सुमिटोटो डाइपन नाम की जो कंपनी है, जिसने अपनी नॉलेज को यूज़ करके, और ये जो एक्सेंशिया नाम की यूके बेस्ड कंपनी है, इस कंपनी ने अपना DSP या फिर हम हो सकते हैं सेंचुअर केमिस्ट्रीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये दोनों कंपनीज ने एक नए मॉलिक्यूल को ढूंढने का काम किया। यहाँ पे एक इस नए मॉलिक्यूल का अगर मैं नाम बताऊँ तो ये नाम है दोस्तों DSP-1181। ये मॉलिक्यूल का पूरा नाम है। हालांकि ये जब नया मॉलिक्यूल बन जाएगा तो इसको शायद कुछ नया नाम मिल जाए, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल का नाम तो अभी तक यही है, DSP-1181। ये जो मॉलिक्यूल है बहुत खास इसलिए है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये काम करता है दोस्तों OBCU कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को ढूंढने के बाद यहाँ पे हो सकता है 21 साल के अंदर इस नए ड्रग को हम मार्केट में देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मॉलिक्यूल के या फिर इस ड्रग में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। यानी पुराने ज़माने में या फिर पहले कैसे होता था कि कोई भी नया ड्रग ढूंढना है तो हमें उससे पहले 10 साल 12 साल लगते थे उस ड्रग को डेवलप करने के लिए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम को यूज करके हम यहां पे आने वाले दिनों में, ये दोनों कंपनीज ऐसा बोल रहे हैं कि हम एक ही साल के अंदर इस एल्गोरिथम की मदद से नए ड्रग मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हैं। अगली बात कोई इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ड्रग डिस्कवरी का जो इवेंट होने वाला है ये की माइलस्टोन बन सकता है। अगर ऐसा अगर पॉसिबल हो पाए या फिर ऐसी चीज़ अगर मार्केट में आ जाए, ऐसी चीज़ अगर R&D सेक्टर में आ जाए, तो इस वजह से सिर्फ हमारा ही नहीं बहुत सारे सेक्टर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए 12 साल 10 साल ये टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इस टाइम में कंपनी का पैसा भी बहुत इन्वेस्ट होता है, और कई बार ऐसा होता है कि नए मॉलिक्यूल आप ढूंढते लेते हो लेकिन उसके बाद उसको परमिशन नहीं मिलती। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक साल के इन्वेस्टमेंट से भी कंपनीज आने वाले दिनों में ड्रग मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करके उन मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर सकते हैं, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और अगर मैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों की और कुछ बातों की बात करूँ तो ये जो एल्गोरिदम है ये एगोनिस्ट एल्गोरिदम माना जा रहा है। यानी ये जो एल्गोरिदम है ये सिर्फ ओबेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ये बाकी के बहुत सारे डिसीजेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा है कि उनका मानना है एगोनिस्ट एल्गोरिदम का मतलब यही होता है कि आप सिर्फ एक ड्रग के लिए नहीं बहुत सारे डिसीजेस को इस एल्गोरिदम के यूज़ कर सकते हैं। अगली बात आती है दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट ड्रग विल एंटर फेज 1 ट्रायल, यानी इसका जो फेज 1 होगी इस ड्रग के ट्रायल की ये जापान में स्टार्ट हो चुकी है, और अगली फेजेस यहाँ पे कुछ ही महीनों में हम देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये इसलिए क्योंकि दोस्तों देखिए R&D में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, लेकिन R&D की कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो मैं चाहता था कि इस वीडियो की मदद से और एक्सेंशिया और सुमिटोटो डाइपन इन दोनों कंपनीज के इस अच्छे एफर्ट को मैं आप सब लोग के सामने रखूँ। एक बहुत अच्छा वीडियो है इसलिए क्योंकि आप अगर R&D में काम करना चाहते हो तो इस वीडियो की मदद से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।